नमस्कार, रवाचू की डिलीशियस रेसिपी में आपका स्वागत है। और आज हम बनाएंगे कद्दू के पकौड़े। ये पकौड़े हम व्रत में खाने के लिए बनाएंगे, जो खाने बहुत टेस्टी होते हैं और फटाफट बन जाते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सब्सक्राइब के बगल में बने हुए बेल आइकन को जरूर दबाएं। इससे ये होगा जो भी रेसिपीज मैं बनाऊंगी आप तक तुरंत पहुँच जाएंगी। तो आइए बनाते हैं कद्दू के पकौड़े। आइए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता है। ये मैंने कद्दू लिया है एक टुकड़ा, इस तरीके कद्दू मैंने इसमें से एक टुकड़ा काट लिया है। जितनी आवश्यकता हो आपको, जितना पकौड़े इसके बनाने हैं उस हिसाब से आप कद्दू को ले सकते हैं। मैंने इसके अंदर का बीज और छिलका निकाल करके और ये कद्दू को मैंने साफ करके रख लिया है। 2 चम्मच हरी धनिया कटी हुई लिया है हमने, आधा नींबू, इसका रस हम डालेंगे इसके अंदर, 1 टुकड़ा अदरक का मैंने कद्दूकस करके रखा है, 1 हरी मिर्च को मैंने छोटे टुकड़े में काट कर रखा है, 1 कप मैंने सिंघाड़े का आटा लिया है, इसकी जगह आप कुट्टू का आटा भी ले सकते हैं। 1 कप सिंघाड़े का आटा हमने लिया है, आप इस जगह कुट्टू का आटा भी ले सकते हैं। 1/2 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, मैंने इसे कूट कर रखा हुआ है। सेना नमक हमने लिया है, हमें व्रत का नाश्ता बनाना है इसलिए मैंने सेना नमक लिया है। सबसे पहले हम कद्दू को ग्रेट कर लेंगे और इसे ग्रेट करने के लिए हम कद्दू कस लेंगे छोटे और बड़े साइज में, जिसमें आप चाहें। इसे हम बड़े साइज से ग्रेट करेंगे। मैंने कद्दू को ग्रेट कर लिया है, अब इसे एक बर्तन में निकालेंगे। मैंने कद्दू को बाउल के अंदर रख लिया है, अभी इसके अंदर हम सिंघाड़ा का आटा डाल देंगे। और इसके अंदर जीरा और काली मिर्च भी डालेंगे। हरी मिर्च, हरी धनिया, इन सारी चीजों को डालेंगे। और इसके अंदर हम नमक डालेंगे, नमक हमें स्वाद अनुसार डालना है। एक चम्मच नमक इसके अंदर हम डाल देंगे। और इसके अंदर नींबू का रस डालेंगे, मैंने आधा नींबू लिया हुआ है, इसके अंदर इसे हम डालेंगे। सारी चीजों को हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इसके अंदर हमें पानी नहीं डालना है, कद्दू से पानी निकलता है नमक पड़ने के बाद, इसमें से और भी पानी छूटने लगता है। तो पहले इसे हम अच्छी तरीके से कद्दू के अंदर मिक्स कर लेंगे, अगर हमें आवश्यकता होगी तभी पानी डालेंगे। देखिए मैंने कद्दू और आटे को अच्छी तरीके से मिक्स किया है, मैंने इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं डाला है, और ये अच्छी तरीके से आटे की तरह गूंथ गया है। अब इसे हम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं और आटा देखिए ये फूल गया है। अब इसके पकौड़े अच्छी तरीके से बनेंगे। मैंने इसे डीप फ्राई करना है। इसे डीप फ्राई करने के लिए मैंने गैस ऑन कर दिया है और गैस पर मैंने रिफाइंड ऑयल रखा है, आप घी में इसे तल सकते हैं। अब इसे हम मिक्स करेंगे और पकौड़े बनाएंगे। इस तरीके से छोटे छोटे पकौड़े हम तेल के अंदर डालेंगे। तेल हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है, आंच को मैंने मीडियम कर दिया है। इसमें हम छोटे छोटे पकौड़े इस तरीके से तोड़ते हुए चले जाएंगे। जितना पैन में आ जाए उतने पकौड़े मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। इसे हम 1 मिनट के लिए एक साइड से तलने देंगे, फिर इसे हम पलट देंगे। पकौड़ों को हम पलट देंगे और दूसरी साइड से इसे तलेंगे। इस तरीके से पलटते हुए हम चारों तरफ से इसे गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे। देखिए पकौड़े हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, मैंने इसे पलट पलट कर 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरीके से तल लिया है। इसे हम निकाल लेंगे, इसे हम सूखी पेपर या किचन टॉवल पर निकालेंगे, इससे एक्स्ट्रा ऑयल इसके अंदर निकल जाए। बाकी ये पकौड़ों को भी इसी तरीके से बना करके तैयार कर लेंगे। मैंने सारे पकौड़ों को तलकर तैयार कर लिया है, अब इसकी हम प्लेटिंग करेंगे। हमारे कद्दू के पकौड़े बनकर तैयार हो गए हैं, बहुत ही टेस्टी बने हैं। आप इसे अपने मनपसंद चटनी, जो व्रत वाली चटनी बनती है, उसे बना के खा सकते हैं, या फिर चाय के साथ खाइए, ये बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है
तो अपने कमेंट हमें जरूर दीजिए। फिर एक नई रेसिपी के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।